वेलेंटेस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। करीब 1800 बच्चों के भविष्य की दशा व दिशा तय करने वाले मेरठ के ऋषभ एकेडमी में घोटाले दर घोटाले की परतें खुलती चली जा रही हैं। एकेडमी के संचालक रंजीत जैन ने जिन दो बड़े नाम मृदुल जैन व सुनील जैन को सारे घोटाले व हिसाब किताब के लिए जिम्मेदार बताया था, उनके खिलाफ पुलिस ने दोबारा जांच शुरू कर दी है। सराफा कारोबार से जुड़े इन दोनों लोगों को पुलिस ने नोटिस जारी कर दिए हैं। आरोप है कि इससे पूर्व पुलिस जांच अधिकारी ने 120 के दोनों आरोपियों को सांट काट कर क्लीन चिट दे दी थी। अब आरोप लगने पर एएसपी ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही दोनों आरोपियों को क्लीन चिट देने वाले दरोगा गौरव राणा से भी जवाब तलब किया है। मैं हूं रवि शर्मा और सच वही जो फर्स्ट पार्ट दिखाए। दरअसल करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति और दुधारू गायें समझी जाने वाली अकादमी पर काबिज होने के लिए शुरुआती दौर से ही साजिश व षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। शतरंज जैसे इस सारे खेल में अभी तक सर्राफ राजेंद्र जैन, दिनेश चंद जैन, रंजीत जैन, प्रधानाचार्य याचना भारद्वाज, अजय जैन, सीए संजय जैन, शरद जैन के नाम ही प्रमुखता से सामने आ रहे थे, लेकिन अब दो बड़े नाम इसमें शामिल हो गए हैं, मृदुल जैन व सुनील जैन। रंजीत ने अपने बयान में इन दोनों को ही सारे घोटाले का जिम्मेदार बताया है, लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती। पुलिस को विरोधी पक्ष द्वारा कुछ ऐसे पेपर उपलब्ध कराए गए हैं जिन्होंने रंजीत जैन के उन आरोपों को हवा दे दी है जिसमें सारे लेन देन व घोटाले के लिए मृदुल जैन व सुनील जैन को दोषी बताया गया था। इन पेपर के मुताबिक ऋषभ एकेडमी के लिए 633 वर्ग मीटर जमीन खरीदी गई। इसके लिए ऋषभ एकेडमी के खाते से 1,16,00,000 रुपये तरकुल निवासी राकेश गुप्ता को भी दिए गए। कैंट में भूमि का बैनामा नहीं कराया जा सकता है, लिहाजा इसकी एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई। यह पावर ऑफ अटॉर्नी दिलचस्प रूप से मृदुल जैन व सुनील जैन के पुत्र विकास जैन के नाम लिखा दी गई, यानी पैसा अकादमी का और मालिक बन गए मृदुल जैन के साथ सुनील जैन का बेटा विकास जैन। इस बीच पर्दे के पीछे से अभी तक खेल रहे सर्राफ राजेंद्र जैन व दिनेश चंद जैन ने आम सभा कर संजय जैन व राजेश जैन को स्कूल संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी। बता दें कि इन दोनों के ही खिलाफ पूर्व में रंजीत जैन ने करोड़ों रुपए के घोटाले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद ही राजेंद्र जैन व दिनेश जैन बैकफुट पर आ गए और उन्होंने रंजीत की मनमानियों के आगे सरेंडर कर दिया था। अब डिप्टी रजिस्ट्रार फार्म सोसाइटी एंड चिट्स ने इस आम सभा की कार्रवाई पर मोहर लगा दी है। इसे शरद जैन ने फर्जी बताते हुए शिकायत की है। आम सभा में ही शरद जैन को बाहर का रास्ता भी दिखाए जाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।